है तो छोटी मोटी दिक्कत है। एक बार इनका जो अर्थिंग का पॉइंट था लूज हो गया था। अच्छा अच्छा। तो एक बार एजेंसी में फोन करा था, एक किले में विश्वास नहीं करोगे 44 लीटर डीजल खा गया था। 44 लीटर शेड गियर बक्सा में दिक्कत आई, वो नया कर दिया। प्रॉब्लम होती है नक्कर जाम की। अच्छा अच्छा। गियर बक्सा में दिक्कत आई, मशीन में इतना फॉल्ट आया हद से ज्यादा इसमें। हाँ इतना हद से ज्यादा फॉल्ट। अच्छा। रोज कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना दिक्कत। ये अपन क्यों लिया, और कोई कंपनी ना थी? कंपनी तो बहुत गणी मार्केट में। अच्छा अच्छा। पर हमने जो ली भाई कंपनी की, जो कंपनी इनकी जो डीलर की सर्विस बढ़िया लगी। डीलर किस्मत आया था है। ये अब मशीन ने भाई परेशान करने में कसर छोड़ी नहीं। अच्छा। अरे भाई सर्विस देने वाले ने भी कसर नहीं छोड़ी। नमस्कार किसान साथियों, तो जैसा कि आपने वीडियो में पता है थंबनेल आपने देख ली है भाई, कौन से ट्रैक्टर की आज की वीडियो होगी वो आपको दिखावांगे। अरे भाई पूरी वीडियो अगर आपने देखनी है तो चैनल के साथ में जुड़े रहे हैं। कौन सी वीडियो होगी, कौन सा ट्रैक्टर होगा वो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की साइड में। शानदार ट्रैक्टर, उसकी वीडियो आपको मिलेगी पूरी पूरी। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। तेल का डीजल का कितना चीज लगता है? एक ऑप्शन है। हाँ हाँ इको मोड में आ जाए फिर तो नॉर्मल तेल में हो जाए हल्का। भाई धीरे धीरे ज्ञान हुआ है, घना फर्क है। अच्छा। किसान साथियों पहले देखो परफॉर्मेंस और फिर आपने दिखावांगे इस किसान भाई का फीडबैक मशीन के बारे में भी और भाई ट्रैक्टर के बारे में भी। तो हमारी वीडियो में होता ये है भाई पूरा प्रॉपर तरीके से कि किसान साथी का क्या कुछ कहना है मशीनी के बारे में, ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि पिछले साल इसकी वीडियो बनाई थी हमने गोड़ी में, कंप्यूटर गोड़ी में 12 फीट की गोड़ी थी और मशीन शायद मेरे को ध्यान नहीं किस कंपनी की थी गोड़ी जो। बाकी अगर आपने वीडियो देखनी तो आई बटन में देख लो या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी आपने, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपने मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर आपने देखनी है तो वो जा कर के आप देख सको के कुछ कहना पाएगा मशीन के बारे में, जो लेजर लेवलर है उसके बारे में। तो आज की वीडियो में आपको दिखावांगे फार्म ट्रैक 60-80 परफॉर्मेंस और फीडबैक दोनों चीज़ें साथ में होंगी। अभी फ़िलहाल में भाई बिना जुताई करी हुई ज़मीन में, धान की ज़मीन में मशीन चला रहा है, तो परफॉर्मेंस तो आपको देखने को मिल रही होगी। देखो भाई तो काम काफी बढ़िया है। और भाई मशीन किसी लगी आपने, यह मशीन 9 फीट में भाई सुपर सीटर जो है 9 फीट में है गहीर कंपनी की। इस ट्रैक्टर के साथ में 9 फीट की चल रही है और भाई 9 फीट की चलाने के बाद में पिछले साल भाई के पास में पुन्नी की थी 8 फीट में, तो उसमें इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी भाई से पूछेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहो हैं भाई। तो वह किसान साथियों आपने जैसा कि पता है कि अभी सुपर सीडर का सीजन चालू हो चुका है और भाई तरह तरह के इम्प्लीमेंटर, तरह तरह के ट्रैक्टर आपको वीडियो में देखने मिल रहे होंगे।
तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगे फार्म ट्रक 6080 जो कि 9 फीट की गैर कंपनी की सुपर सीडर के साथ में चल रहा है। और वह पिछले साल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस ट्रैक्टर के साथ में 12 फीट की लेजर लेवलर थी और भाई काफ़ी शानदार फीडबैक मिला किसान भाई का। और कमेंट आए दोबारा कि उस ट्रैक्टर की वीडियो सुपर सीडर के साथ में और एक बार आप दिखाओ, तो वो वीडियो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगे। और साथ में जमींदार साथी से भी मिलावांगे कि कुछ कहना है, सीधी तप्पड़ जमीन में बुआई होने लग रही है, पहले के कुछ बुआई हुआ करती और आज के टाइम पर के कुछ बुआई होने लग रही है, तो उसके बारे में पूछांगे और उनका परिचय भी करेंगे। नमस्कार जी, सबसे पहले एक बार अपने किसान भाइयों ने अपना गांव नाम के पता बताओ थोड़ा जी। गांव गोछी जी, तहसील बेरी। अपना नाम क्या जी? मेरा जयवीर सलोक करतार सिंह। ठीक है जी। अच्छा, आप मतलब खेती कितने साल से कर रहे हो? खेती जैसे जीरी की तो मैं करता नहीं, ये गेहूं गेहूं की क्या? अच्छा गेहूं गेहूं की। हाँ जी। अच्छा गेहूं गेहूं है। अच्छा आप ये देखो, मतलब पहले के टाइम था ज्यादा जुताई हुआ थी और ये जिस तरह की सीधा तापड़ जमीन में बुआई होने लग रही है, इसी तो आपके कुछ कहना चाहो किसानों ने? ये तो बहुत बढ़िया और इजी काम हो गया। अच्छा, पहले तो बहुत बड़ा किराया लगता था। हाँ। जैसे ये इस तरह की जमीन, हाँ, बड़ी जमीन में हो जाए काम, मतलब उसको संभाल करना और फिर उसकी जुताई करनी, तो वो बहुत टाइम भी बचा है, की भी बचत। अच्छा एक और चीज हो है, जिस तरह के बाव ज्यादा बुएराम भी थोड़ा हो रहा है, मतलब गेहूँ भी कम जम है। हाँ, वो एरिया के हिसाब से यहाँ का जो हिसाब किताब है ना धरती, उसमें क्या है, नमक की उछाला हो जाए। अच्छा जा। हाँ, वाटर लेवल ज्यादा है। हाँ जी, वाटर लेवल ज्यादा इस वजह से हो जाए इस चीज में। अच्छा, खार ऊपर आ जाए, वो मतलब बिजाई, वो जो बीज है वो अंकुर नहीं हो पाता, कम हुआ है। हाँ, कम हुआ है। अच्छा जी, चलो बाकी धान की पैदावार किसी को है? धान की भी बढ़िया, ठीक हो। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फीडबैक दिया। अच्छा, ये कुछ जिस तरह के आपने इस बिजाई होने के बाद में मतलब भाई गेहूँ जाम रहे किसे भाई के, वो देख लिए होंगे, संतुष्ट हो रहे इस चीज से? मतलब खेत में बुआ रखे इसी सुपर सीटर से। अच्छा अच्छा, बढ़िया बिजाई हो रही है। बढ़िया बिजाई। चलो जी, आपका धन्यवाद। अच्छा परवेश भाई, तो थोड़ा परिचय कर ले। नमस्कार भाई। राम राम सारे भजन भाई। भाई थोड़ा एक बार अपने किसान भाई ने परिचय दो थोड़ा एक बार, गांव नाम कीजिए अपना। नाम परवेश जी। गांव गोची, तहसील बेरी, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा। ठीक है। अच्छा इन्हू बता, मतलब अपना एरिया में इतना बड़ा ट्रैक्टर आपके पास है? हाँ। अच्छा, इसके साथ में कितने फीट की सुपर सीडर अपनी है? 9 फुट की। अच्छा, और कोई कंपनी ना थी? कंपनी तो बहुत गणी मार्केट में। अच्छा अच्छा, पर हमने जो ली भाई कंपनी की जो डीलर की सर्विस बढ़िया लगी। अच्छा, डीलर जो डीलरशिप ले रहा है गैर की। हाँ। उसकी सर्विस बढ़िया। हाँ। फार्म ट्रक एजेंसी मोनू है। अच्छा अच्छा, उसके पास डीलरशिप है। मशीन में इतना फॉल्ट आया, हद से ज्यादा इसमें। हाँ, इतना हद से ज्यादा फॉल्ट। अच्छा, रोज कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना दिक्कत। 4-5 दिन से बढ़िया चल रही है। अच्छा, किसी डर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो इनकी कंपनी गैर कंपनी के जो डीलर है अपने, भाई सर्विस बहुत बढ़िया थी। अच्छा, रात ने भी बंदे अड़े रहते, कुछ न कर जाम थे। अच्छा अच्छा, गियर बक्सा गियर बक्सा हम दिक्कत आई वो नया कर दिया। हाँ। मतलब कहने का आपने, मतलब जो सोचा था अभी मशीन ले आप सर्विस के ऊपर ले वहाँ। हाँ, सर्विस वो बढ़िया लग गया। बाकी लक व किस्मत हो आया था है। ये अब मशीन ने भाई प्रेशर कर में कसर छोड़ दी नहीं। अच्छा, अरे भाई सर्विस देने वाले ने भी कसर नहीं छोड़ी, भी बढ़िया दी है। मतलब काम चल गया, काम चला गया ना। सीजन सारा खराब माले करा दिया था। हाँ, सीजन खराब हो गया, माले सर्विस बढ़िया नहीं हुए ना। माले भाई 2.5 लाख रुपए पानी पी गए थे। या तो है। अच्छा एक और चीज, तू थोड़ा नीचे आ जाएगा, वो मशीन के बारे में थोड़ा उन्होंने बता। इस तरह 7 फुट 8 फुट आप ले, उसमें इस 9 फुट में के कुछ अलग देव है, कुछ सपोर्ट है, क्या साइज भी बड़ा हो गया? साइज बढ़ाएगा। अच्छा, साइज बड़ा हो गया। हाँ। बाकी फीचर सारे वे हैं, 9 में 8 में सेम है, ले लो 12 ले लो। अच्छा अच्छा, फीचर सारे वे हैं सेम। मतलब ये भी बड़ी मशीन है, चल रहा है, धड़कन वगैरह नहीं? धड़कन वड़कन कुछ नहीं, वो जमीन का साफ होता वो है। अच्छा, जमीन के जो भाई टाइट जमीन है उसमें भाई मशीन जब तक अंदर जमीन में रूटर अंदर नहीं जाएगा, कटाई करेगा तो धड़कन बनेगी। ठीक है, गिल्ली मशीन हो, धड़कन मतलब ठीक जमीन होता है, धड़कन में कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जिस तरह चौकिंग वगैरह की जिस तरह रुक जाया करे वो, तब रोलर रुकना, तब ज्यादा गिल्ली जमीन हो तो उसमें समस्या बन जाए। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत? इसी कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी थोड़ी बहुत ज्यादा गिल्ली जमीन हो जाए ना, तो जमीन तो सबका गिल्ली है। हाँ, ये गिल्ली है, देखियो लड्डू बने इस हाल है। हाँ।
इसमें भी काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। पर भाई क्या है, बगैर का टाइम है, बस है नहीं। हाँ, टाइम की तो वैल्यू हो रही है। जमींदार ने सोचा भाई बाओगे जुताई कराएंगे, किराया बड़ा ज्यादा लगेगा। हाँ, टाइम भाई, पैसे की बचत है, समय की बचत है। अच्छी दाइशी से एक बार काम हो जाए, एक बार हो जाए। आप देख लो दोनों साइड है, या जमीन देख लो, जमीन देख लो। हाँ, वो तो फर्क तो लगा ही है। अच्छा, ये बीस से कितने किले निकाल दिया अपन? अब तो भाई किले थोड़े निकाल लिए हैं, ज्यादा नहीं, 70 किले निकाले हैं अभी तो। 70 किले, जिसमें साथ में अपना लेट शुरू हुआ, मतलब ब्रेक डाउन भी हुआ थोड़ा बहुत आपको? ब्रेक डाउन के कारण भी लेट रहे। हाँ, ब्रेक डाउन बीच में कितना हो गया लेट हो? हाँ, गियर बक्सा में दिक्कत बताओ आप, उस चीज की दिक्कत आ गई थी। 4-5 दिन तक बढ़िया काम चल रहा, बढ़िया चल रहा। अच्छा, इसका टोटल वेट कितना है 9 फुट में? इसका वेट है 11 क्विंटल 80 किलो। 11-80, और मट्टी मुट्टी लाग के फिर? वो तो भाई मट्टी जमीन मट्टी उतर जाए गिल्ली। अच्छा अच्छा, 1 क्विंटल पक्का वजन पूछ गया। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, जिस तरह इसमें वेट वगैरह आगे कोई समस्या नहीं अपन डालन की? ना ना, कंपनी फिटेड वेट है भाई, बढ़िया चल रही है। हमने नट भी ना लगाया, जो कुछ साथ में है वो चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो साइड में सपोर्ट दे रखी है सर, खड़ी। हाँ, ये इसमें 9 माह होगी, 7 माह। हाँ, यह चीज बढ़िया कर रखी है, देख। ये टोपलिंग का बैलेंस बनाना खतर है। हाँ, ये जो बैलेंस, सबसे बड़ी बात जो पाइप है, मशीनें टूट जाए हैं उसमें बहुत सपोर्ट करेगी। हाँ, ये सपोर्ट बढ़िया दे दी है, मतलब कंपनी ने पहला सोचा है। बहुत से मशीन देखी 9 फुट में कोई सपोर्ट नहीं, मतलब सेम वो सौदा दे हुए हैं, तो यह सपोर्ट देने का बढ़िया काम करा गया कंपनी ने। अच्छा, एक और अंदाजा बता दे, कै रुपया पड़िया अपने यहाँ? 2.5 लाख रुपया में, मतलब वो तो देखो मौके पर व्यवहार की बात हो अपने अपनी, नहीं डीलर के साथ में जैसा भी। अच्छा, और कोई ट्रैक्टर में अभी तक कोई समस्या अपन देखी? ना भाई, ट्रैक्टर में कोई समस्या अभी तक, छोटी मोटी दिक्कत है। एक वायरिंग का, अर्थिंग का पॉइंट था, लूज हो गया था। अच्छा अच्छा, तो एक बार एजेंसी में फोन करा था, उन्होंने जिस टाइम फोन करा था ना दोपहर में, टेम्परेचर की जो सुई है वो जगह कंट्रोल ना हो रही थी। अच्छा अच्छा, लो में कब आई, मैं ऐसी दिखा रही थी, तो उन्होंने बात करके ना बंदा स्पेशल फरीदाबाद घरना आ गया था। अच्छा अच्छा, उसी दिन शाम ने आते हुए देखते ही बता दिया था, लेक 10 नंबर की चाबी उन्होंने टाइट करके चला गया, अल्लाह तो सिरा चला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़िया चल लगा ना, टेम्परेचर की दिक्कत, जब तक टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा बताओ नहीं होगा, ट्रैक्टर ठंडा है गर्म है। हाँ, ये वो चीज तो जरूरी है। अच्छा, एक और चीज बता, जिस तरह इसमें इसका सर्विस का टाइम के मैं, और ट्रैक्टर तो अलग है फार्म ट्रैक्टर, कितने घंटे? 300 घंटे। अच्छा, ईब तो 500 घंटे डलवाओ ही मैं। अच्छा, 300 घंटे करवाओ, 300 घंटे करवाओ, और 500 का तेल डलवाओ, 500 का, मतलब इसी वजह तो ट्रैक्टर भाई देख लाइफ ज्यादा हो जाए इस चीज़ का, अपने हाथ में है। बिल्कुल, अपने हाथ में सही टेम्प करवाए जाएंगे तो इंजन मतलब रख रखाव बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उम्र रहेगी, कितने घंटे चल गया वो? ई भी चल गया 1,080-75 घंटे करीब चलने हो रहा है। अच्छा अच्छा, बाकी मैं भाई ना भाई काफ़ी पैसे लगाए, और पैसे लगाए हैं तो उस चीज़ का काम भी होने लग रहा है, बढ़िया ट्रैक्टर चल रहा है कुल मिलाकर। और भाई फीचर की कहो इस ट्रैक्टर में तो काफ़ी ज़्यादा फीचर है, मतलब गणवान लग गया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कुल मिलाकर के काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है, और शानदार मशीन चाली भाई की, कस्टमर सर्विस मेन चीज़ रहा भाई। मशीन में दिक्कत बहुत आई, लेकिन कस्टमर सर्विस इतनी बढ़िया थी कंपनी की कि टाइम पर काम हो गया, और भाई डीलर का रिस्पॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा रहा भाई के लिए। तो भाई अपना हमने जो मशीन तो और भी थी गुरुबाज की, बढ़िया मशीन थी, पर जो माल है ट्रैक्टर में उतर गया फालतू। मैं 1 साल हो गया ट्रैक्टर अपने पास, सीधा जहाँ से लिया था उसको छोड़ गए, चिजरे वालों से बात करी थी मैं इन्हें भाई, एक बार नाम ले दिया ट्रैक्टर फार्म ट्रक हटा सी कुछ बंदे खड़े पाऊ, उन्हें इतनी बढ़िया दे रखी है तो अपने आप पास मशीन लेने का मन कर गया। बिल्कुल, मशीन लेने का मन तो देखो अपने आप पे कर दिया है। हाँ, क्योंकि आपने वहाँ से नए लेकर के ट्रैक्टर बाहर से लिया था, फिर भी फिर भी सर्विस इतनी बढ़िया दे रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना 1 मिनट में फोन पर कर जब बता देंगे। चलो भाई, तो देखो सर्विस का मेन रहा है, कंपनी मैटर नहीं करती, सर्विस का बहुत मैटर है। बाकी भाई ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है भाई का, और भाई कोई भाई लेना चाहता है फार्म ट्रक 60-80 तो वो भी ले सके, कोई दिक्कत नहीं, ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है, मौज करेंगे। यो नहीं है, लेकिन फार्म ट्रक 60-80 को भाई लेना चाहो ना, यो देने का नहीं है, लेकिन और भी भाई लेने का, भाई लेना एजेंसी पर डीलर आ, एजेंसी से बात करो, या मतलब पुराने भी फोर सेल में है ये ट्रैक्टर, तो बढ़िया चल रहा है भाई के पास में, कोई परेशानी? मशीन लेकर आए थे 1 किले में, विश्वास नहीं करोगे, 44 लीटर डीजल खा गया था।
44 लीटर अच्छा दब्बा था के समस्या थी दब्बा भी ना था मशीन के चक्कर सेट नहीं हो रहे थे गिल्ली जमीन थी मशीन तो फस काट रखे थे कबा मशीन कुछ फस जाए चक्कर मेंटेन ना हो रहे थे अच्छा अच्छा आगे पीछे करने में 4-5 घंटे लगे किल्ला निकलने में अच्छा 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 हां टीम आई चक्कर मिलाए जब सेट गए जब बस भाई 6 लीटर 7 लीटर आयो तो पूरा झोटा आयो तो दबण का नहीं है इन तेल खाना हां तो भाई बात है ना हां दिया। चलो भाई ठीक है अपना धन्यवाद और भाई कीमती समय बहुत गणाई भी हो जमींदार चलने दे भाई मशीन तो कीमती समय इसको वेस्ट ना करते हो भाई भाई के टाइम को वेस्ट ना करा और भाई ट्रैक्टर बढ़िया चल रहा है और मशीन भी बढ़िया चल रही है वीडियो जैसी लगा लाइक शेयर करके बताना है तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत।